लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आकाश की ऊंचाई और सागर की गहराई की तरह तुम्हारी भक्ति महान है हनुमान। भगवान, महान तो आप हैं, मैं तो आपके चरणों का दास हूं। दास नहीं, तुम तो मेरी आत्मा हो। मुझे विश्वास है तुम मेरा कार्य अवश्य पूरा करोगे। जाओ हनुमान, कहीं से भी सीता का पता लगा कर आओ। जो आ गया, किंतु माता जी मुझे पहचानेंगी कैसे? ये लो मेरी मुद्रिका, इसे देखते ही सीता को तुम पर विश्वास हो जाएगा। पवन कुमार, शीघ्र वापस आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जय श्री राम। भगवान श्री राम के अंदर
इंद्र की, श्री लक्ष्मण की। जय हो भगवान, जय हो। पधारिए नागराज। भगवान प्रभु। उठिए नागराज। बेटी चंद्रसेना, बेटी यही है सुंदर श्याम राम, भक्तों के रखवाले राम। श्री राम। हाँ बेटी, जिसने राम को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। सब कुछ पा लिया। कहाँ खो गई बेटी? बेटी मैं पिताजी। प्रभु को प्रणाम करो। राम के चरणन की बलिहारी, राम के चरणन की बलिहारी, इन चरणों से करी अहिल्या गौतम ऋषि की नारी, इन पावन चरणों को धोकर मगन रहा केवट जीवन भर, प्रभु की चरण पाद का सुखमय लगी भरत को प्यारी, राम के चरणन की बलिहारी। क्या देख रही हो बेटी? प्रभु के चरणों को, जिनसे गंगा निकली, जिन्हें छूकर अहिल्या तर गई, जिन्हें धोकर केवट का उद्धार हो गया, और जिनकी चरण पादुका सिर से लगाकर भरत भरत बन गए। बेटी इन चरणों की महिमा अपार है, तुम भी श्री राम के चरणों को छूकर अपने को धन्य बना लो। बात है सखी, आज आनंद के मारे तुम्हारे पैर धरती पर नहीं पड़ रहे हैं। हमें भी तो बताओ कौन है वो, कैसे है वो। चंद्रमा की सुंदरता, चंदन की शीतलता, फूलों की कोमलता, मेरे सजन की शीतलता, फूल
चंद्रसेना 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 नहीं, तुम मेरे राम नहीं हो, अवश्य कोई मायावी पुरुष हो। कौन हो तुम? पातालपति अहिरावण। अहिरावण, तुम्हारे सौंदर्य के बारे में हमने जो कुछ सुना था, तुम उससे भी अधिक सुंदर हो। लगता है चंद्रमा ने अपने रूप की सेना तुम्हें देकर तुम्हारा नाम चंद्रसेना रख दिया है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चले जाओ। हम जाने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए आए। मुझे पाने के लिए तुम्हें आग से खेलना होगा। ये आग भी हमारे लिए शीतल चांदनी बन जाएगी। चलो पातालपुरी। अहिरावण, इससे पहले तुम्हें जमपुरी पहुंचा दिया जाएगा। हमारे नाम से स्वयं यमराज कांपते हैं। हमने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। नागराज, चंद्रसेना का हाथ हमारे हाथों में सौंप, हमारी बेटी का हाथ मांगने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे। सैनिकों, देखते क्या हो, इसे खत्म कर दो। बैठे क्या हो, आगे बढ़ो। कपटी! पिताजी! ओ बेटी! कायर, अपनी मायावी शक्ति दिखाकर भी तू मुझे नहीं ले जा सकता। नहीं ले जा सकता। देखते क्या हो, पकड़ लो इसे। बेटी 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 बेटी, पवन कुमार, लंका यहां से बहुत दूर है, कृपा करके थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। भगवान राम का कार्य पूरा किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। धन्य हो हनुमान, किंतु अपने चरण स्पर्श से मुझे पवित्र कर दीजिए। श्री राम।
यहाँ से नहीं जा सकते। कौन हो तुम? राम भक्त हनुमान, मैं प्रभु राम के कार्य से जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे राम भक्त हनुमान, आज तक मुझसे कोई नहीं बच सका, सबको मेरे मुंह का ग्रास बनना पड़ा, तुम्हें भी मैं खा जाऊंगी। यदि मैं बचकर निकल गया तो? असंभव। अच्छा तो अपना मुंह खोलो। परीक्षा में सफल हुए। मेरी परीक्षा लेने वाली आप कौन हैं? नागों की माता सुरसा, तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। माता मुझे आशीर्वाद दीजिए, भगवान के जिस महान कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ वो सफल हो। अवश्य सफल होगा। जाओ हनुमान, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय श्री राम। पातालपुरी में आकर कोई वापस नहीं जा सकता। उठो चंद्रसेना और हमारे बड़े भाई महिरावण और भाभी महादेवी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करो। उठो उठो। क्या सोच रही हो चंद्रसेना? अब तुम हमारे छोटे भाई अहिरावण की पत्नी बन चुकी हो। पत्नी? ये सब झूठ है, मैं इनकी पत्नी नहीं, मैंने इनसे विवाह नहीं किया। दानव संस्कृति के अनुसार किसी भी लड़के का हरण करना विवाह करना है। इसे तुम विवाह कहती हो? क्या यही तुम्हारी संस्कृति है? याद रखो, मैं राम के सिवा और किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। राम? राम क्या है? राम कुछ भी नहीं। सारे ब्रह्मांड के स्वामी राम ही सब कुछ है। उनकी शक्ति महान है, उनकी महिमा अपार है। बस बंद करो राम की महिमा। आज तक तुमने वनवासी राम का रंग देखा है, अब हमारा रंग देखोगे। ले जाओ इसे हमारे रंग महल में, वहां का सुख और ऐश्वर्य इसका हृदय बदल लेगा। ले जाओ। छोड़ छोड़ दो मुझे। फूल ले लो फूल। कोई फूल ले लो, मालन तो आई लंका देश से, कोई फूल ले लो फूल। मालन? हाँ मेरे बाली। क्या कहा? मैं मालिक? हाँ, बाग का माली नहीं, मेरे दिल का माली। कौन सा फूल पसंद है तुम्हें? ये तो ये फूल पसंद है। हाय क्या करते हो, कोई देख लेगा तो? अंदर तो कोई नहीं देखेगा, आओ अंदर आओ। हाय तो ये अंदर आओ। नहीं नहीं आओ ना। नहीं 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 आओ ना। नहीं आओ ना। अच्छा तो फिर चलो आओ। बैठो ना, पलंग पर बैठो ना। अब गिर गए, अब गिर गए। बापू? ओ बापू। ओहो कौन? नहीं अरे बाप रे, मर गए। अरे तुम्हारे साथ देखेगी तो क्या कर? अरे कोई उपाय निकालो। उपाय? जल्दी दरवाजा खोलो ना बापू।
उपाय मिल गया। क्या? आप पलंग के नीचे, मैं अर्धाई पलंग के ऊपर। कहा बापू? आपकी कन्या कुमारी आ गई, जल्दी कीजिए, चलिए। प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से। दरवाजा जल्दी खोलो ना। कौन? मालन लंका वाली और अब तेरे बापू की घर वाली। क्या घर वाली? क्या माँ के मरते ही बापू दूसरी शादी कर रहे हैं? ओह, ये बुढ़ापे में जवानी कैसी सूझ रही है। मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। सारी पातालपुरी में उन्हें बदनाम ना कर दिया तो दही मेरा नाम नहीं। कैसी रही दही? सही। अब तो तेरे बिना रहा नहीं जाता। और मुझसे भी रहा नहीं जाता। कोने में, कोने कोने। मुझसे भी सहा नहीं जाता। बचा, बचा, मेरा भागने में। पकड़े, 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 पकड़े। कितने ही रूप था क्या? तुम्हारी बेटी को नहीं पाता। अबे नीच पाखंडी, मैं एक न एक दिन तेरी लड़की को लेकर ही जाऊंगा। स्वाहा, स्वाहा। राम, मेरे राम। जनक नंदनी, राम का ध्यान छोड़कर एक बार हमारी ओर देख लो। पूर्णिमा का प्रकाश देखने वाला अमावस का अंधकार नहीं देखता। तुम हमारा अपमान करें रुचिते। देवताओं का मान मर्दन करने वाले रावण की अभी तुमने शक्ति नहीं देखी। शक्ति? तेरी शक्ति तो उसी दिन देख ली थी जिस दिन तू कपटी साधु का वेश बनाकर मुझे यहाँ हरण करके ले आया था। गिद्धड़ की तरह गरजने वाले रावण, जब तू मेरे राम की सिंह गर्जना सुनेगा तो तेरा अभिमान, बल, पौरुष सब धूल में मिल जाएगा। इससे पहले हम तुझे धूल में मिला देंगे, आज हमारी वासना की आग में तुझे जलना पड़ेगा। नल कुबेर? हाँ, नल कुबेर। सावधान रावण, यदि तूने किसी सती की लाज लूटने का प्रयत्न किया तो तेरे सिर के 60 टुकड़े हो जाएंगे। 60 टुकड़े। जीते, हम तुझे एक मास का समय और देते हैं। यदि इसके बाद भी हमारी इच्छा पूरी नहीं की तो इसी तलवार से तुम्हारा सिर उड़ा दिया जाएगा। राम, मेरे राम, क्या इस पापी के हाथों मेरे जीवन का अंत होगा? नहीं। प्रणाम माता। तुम कौन हो? श्री राम का सेवक हनुमान। कहीं तुम भी कोई मायावी राक्षस तो नहीं हो? नहीं माता, मैं श्री राम का सेवक हूँ। लीजिए प्रभु राम की मुद्रिका। मुझे तुम पर विश्वास हो गया हनुमान, किंतु मेरे स्वामी राम कैसे हैं? हर पल आपके ध्यान में खोए आपको याद करते रहते हैं। राम, मेरे राम। दुखी न हो माता, शीघ्र ही प्रभु राम वानरों की विशाल सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दानवों का विनाश कर देंगे। हनुमान, क्या वानर सेना में सब वानर तुम्हारे समान है? नहीं माता, एक से एक बलवान है। श्री राम की कृपा से मेरा रूप भी देखिए। जय श्री राम।
मुझे बहुत भूख लगी है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ फल खा लूं। अवश्य खाओ, किंतु यहाँ बड़े बड़े राक्षस पहरा दे रहे हैं। आप मेरा खेल देखिए, मैं फल खाऊंगा, उनको उनका फल दूंगा। जय श्री राम। से नहीं बच सकते। जय ब्रह्मास्त्र। आपके बिना इस पाप की नगरी में एक पल भी जीवित रहना नहीं चाहती। मैं अभी अपने प्राण दे दूंगी। इरा, प्राण देने से राम नहीं मिलेंगे। राम को पाना है तो तुम्हें जीवित रहना होगा। कौन हो तुम? मकरी, पाताल पति की दासी। मेरे भी मन में श्री राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति है। मैंने अभी अभी श्री राम के भक्त हनुमान जी के दर्शन किए हैं। श्री राम भक्त हनुमान के? हाँ, जब उनके भक्त के दर्शन हो गए हैं तो इस दिन भगवान श्री राम के भी दर्शन हो जाएंगे।
मिस्त्री, तुम चिंता मत करो, श्री राम तो अंतर्यामी है, वे सबके मन की जानते हैं, वे अवश्य तुम्हारी भी सुनेंगे। हाँ। राम, मेरे राम, चंद्रशेखर। चंद्रसेना, राम का नहीं पातालपति अहिरावण का नाम। कभी नहीं, मेरे राम के आगे अहिरावण का कोई मूल्य नहीं। कोई मूल्य नहीं? मैं तुझे पातालपति का मूल्य समझा कर ही रहूंगी। याद रख, एक न एक दिन तुझे मेरी आज्ञा के सामने झुकना ही पड़ेगा। डालो, ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह में। ले जाओ। पिताजी, ये वही वानर है जिसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। वानर कौन हो तुम? ये सब पूछने से पहले मुझे बंधन से मुक्त कर दिया जाए। और इस बंधन को तू कभी नहीं तोड़ सकता। मूर्ख, ये तो मैं ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए बंध गया था, नहीं तो देख। राम, राम? हाँ, मैं भगवान श्री राम का दूत हनुमान हूँ। राम दूत हनुमान? मूर्ख, अहंकार में अतिथि को आसन देना ही भूल गया। आसन बराबर वालों को दिया जाता है, तुझ जैसे नीच बंदर को नहीं। तो देख, श्री राम की कृपा से मैं अपना आसन स्वयं बनाए लेता हूँ। जय श्री राम। साहस जो हमसे ऊंचे आसन पर बैठे। भगवान राम का नाम ही ऊंचा है, फिर उनका दूत नीचे कैसे बैठ सकता है? राम कहां वो बनवासी राम, और कहां हम तीनों लोगों को जीतने वाले लंकापति रावण। तीनों लोगों को जीतने वाले रावण? बता, वो रावण कौन था जिसे बाली ने 6 महीने अपनी कांख में दबा रखा था? बोल, वो रावण कौन था जिसे सहस्त्र अर्जुन ने अपनी घुड़साल में बांध कर रखा था? और ये भी बता, वो रावण कौन था जो सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ना तो दूर, हिला भी न सका? नीच वानर। नीच? नीच वो है जो पराई स्त्री का हरण करता है, नीति छोड़ अनीति पर चलता है। मंदर, महापंडित रावण को तू उपदेश दे रहा है? उपदेश नहीं, मैं तेरी आंखें खोल रहा हूँ। रावण यदि अपना कल्याण चाहता है तो माता सीता को लेकर प्रभु राम की शरण में चला जा, वे तुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। मैं क्षमा याचना करूं, वो भी राम से? त्रिलोकी विजेता रावण सिर झुकाए एक वनवासी के सामने? सारा ब्रह्मांड जिनके सामने सर झुकाता है उन्हें तो वनवासी समझता है। मूर्ख, कान खोल कर सुन ले, समय रहते अपनी भूल सुधार ले, नहीं तो उन्हीं वनवासियों के हाथ तेरी मृत्यु होगी और सोने की लंका धूल में मिल जाएगी। इससे पहले हम तुझे धूल में मिला देंगे। मेघनाथ, इसकी गर्दन उड़ा दो। जय श्री राम। ठहरो भैया, दूध पर हाथ उठाना नीति के विरुद्ध है। किंतु विभीषण, हम इसे दंड अवश्य देकर रहेंगे। पिताजी, वानर को अपनी पूछ बहुत प्यारी होती है, इसकी पूछ में आग लगा दी जाए तो लगा दो आग। Thank you.
किया? रावण ने मेरे पूछ जलाए, मैंने उसकी लंका जला दी। माता, मेरा कार्य पूरा हुआ, आप भी प्रभु के लिए कुछ अपना चिन्ह दीजिए। हनुमान, स्वामी से कहना यदि उन्होंने एक मास के भीतर मुझे रावण के बंधन से नहीं छुड़ाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा न कहो माता, मैं आपको अपने साथ ही ले जाता, किंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। आप विश्वास रखिए, आपके उद्धार के लिए प्रभु समय से पहले पहुंच जाएंगे। जय श्री राम। पानी क्यों चंद्रसेना, बहुत प्यास लगी है। यदि तू पानी पीना चाहती है तो अपने हट को छोड़कर पातालपति अहिरावण को अपना पति मान ले। नहीं, कभी नहीं, देखती हूँ कब तक नहीं मानती। राम की पुजारिन, मैं तुझे पातालपति की पुजारिन बना के रहूंगी। बोल, मेरी आज्ञा के सामने सिर झुकाती है या नहीं? मेरा सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। ये बात दानव, आग और तेज करो। महादेवी दया कीजिए, महादेवी, महादेवी दया कीजिए। इस तरह तो चंद्रसेना के प्राण चले जाएंगे, और चंद्रसेना न रही तो आपकी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? मकरी, आप इन्हें जल पिलाने की आज्ञा दीजिए महादेवी। दया कीजिए महादेवी। आज्ञा है। करने वाली तू जल के एक बूंद के लिए तड़प तड़प कर मर जाएगी, पर तेरा राम तेरी पुकार सुनकर कभी नहीं आएगा। वो अवश्य आएंगे, तुम के रखवाले राम अवश्य आएंगे। तो पुकार उसे, मैं भी देखती तेरी रक्षा करने के लिए वो मेरे सामने कैसे आता है। राम, राम।
यही है मेरे राम, विष्णु के अवतार। मैं अभी तेरे राम को देखती हूँ। आपका मुंह काला किसने किया? आप इतनी घबराई हुई क्यों? मेरा मुंह काला करने वाला राम है। राम? कहाँ है राम? चंद्रसेना उसकी पूजा कर रहे हैं। चंद्रसेना राम की पूजा कर रही है? चंद्रसेना, चंद्रसेना पातालपति आ रहे हैं। प्रभु मेरी रक्षा कर। चंद्रसेना कहाँ है तेरा राम? ये क्या राम के स्थान पर हमारी मूर्ति? चंद्रसेना राम की जगह तुम हमारा ध्यान कर रही हो? तुम्हारे हृदय में इतना परिवर्तन? महाराज परिवर्तन नहीं, महाराज के प्रेम का चमत्कार है। हमारे प्रेम का चमत्कार? हाँ महाराज, अभी तो चंद्रसेना के मन में आपके प्रेम की एक कली खिली है, कल फुलवारी खिल जाएगी। सच कह रही हो मकड़ी? हाँ महाराज। चंद्रसेना हमारे कारण तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ा, हमें क्षमा कर दो। मकड़ी इन्हें अभी हमारे रंग महल में ले जाओ। किंतु महादेवी। तुम उनकी चिंता मत करो, हम महादेवी को समझा देंगे। चंद्रसेना ने हमारे चरणों में प्रेम के फूल चढ़ा दिए, अब चंद्रसेना हमारी है, हम चंद्रसेना के हैं। चंद्रसेना चलो रंगमहल। नहीं मैं नहीं चलूंगी, बाप की नगरी में मैं एक पल भी रहना नहीं चाहती, मुझे किसी तरह यहाँ से बाहर निकालो। चंद्रसेना मकर तुमने सदा ही मेरी सहायता की है, इतनी दया और कर दो, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालने का कोई उपाय कर दो। अच्छी बात है, तुम अपने नृत्य और संगीत से तानवपति को मदिरा पिलाकर बेसुध कर दो, उपाय तो फिर अपने आप हो जाएगा। भगवान पाप के तूफान में मेरी श्रद्धा और भक्ति का दीपक बुझने न पाए, मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरी रक्षा करना प्रभु। भैया हनुमान जी आ गए, वो देखिए भैया। आओ हनुमान, सीता का पता लगा? हाँ प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, भगवान माता ने अपना चिन्ह दिया। इधर आप दुखी उधर माता जानकी, उन्होंने कहा है कि यदि एक मास के भीतर प्रभु मुझे लंका से नहीं ले गए तो मैं अग्नि प्रवेश करूंगी। माता के जीवन में ऐसी अशुभ घड़ी हम कभी ना आने देंगे। भैया
समय बहुत कम है, लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए भैया। वानर राज सुग्रीव, पाप और अधर्म को मिटाने के लिए वानर सेना को चलने की आज्ञा दी जाए। जो आज्ञा प्रभु, भगवान श्री रामचंद्र की। क्यों सही, आज बड़ी सेवा कर रहे हो? महाराज सेवा ही सेवा है, लेकिन आपने कभी मेवा तो दी नहीं। बोलो कौन सी मेवा चाहते हो? बोलो महाराज बोलो। दही। दही कैसी दही महाराज? पाँव खुजाओ महाराज, माफ कीजिएगा महाराज, वो दूध वाली दही नहीं तो? शंखचूड़ की कन्या दही। महाराज आप तो बड़े लोग हैं, आप तो चंद्रसेना से प्रेम करते हैं और मैं तो दही पे काम चला लेता हूँ। लेकिन महाराज एक बात है, वो मेरे और दही के बीच में उसका वो मोटा बाप है ना महाराज, वो दीवार बन के खड़ा हो गया महाराज। तोड़ डालो उस दीवार को और दही का हरण कर लो। हरण कर लो महाराज, वो दही के बाप के होते हुए ये असंभव है, बिल्कुल असंभव। आप तो नागकन्या का हरण कर लाए, लंकापति सीता जी का हरण कर लाए। बेचान दही, बेचान दही। आप लोगों के पास तो महाराज मायावी शक्ति है, मेरे पास क्या है? तुम भी मायावी शक्ति ले लो। शिखर दे दो महाराज, शिखर दे दो। वहीं ठहरो। जय कामाक्षी देवी। महाराज शक्ति आ गई, मैं भी उसके बाप के पास जाता हूँ और दही को हरण करके ले आता हूँ। लेकिन सावधान। क्यों? ये शक्ति तुम्हारे पास सूर्यास्त तक ही रहेगी। सूर्यास्त तक? महाराज सूर्यास्त होने में समय कम है। कुछ नहीं, जो बात हमारे मुंह से निकल गई सो निकल गई, जो करना है सो सूर्यास्त से पहले कर लो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और अभी करता हूँ। अब क्या उपाय करूँ? जय कामाक्षी। मायावी शक्ति का चमत्कार। जय हो महाराज, जय हो महाराज। जल्दी पहुंचना भी है, क्या करना है? हाँ हाँ हाँ, जय कामाक्षी माता। भिक्षा दे। महाराज मैं अभी भिक्षा ले आई। दानवपुरी में साजों के लिए कोई जगह नहीं, भाग जाते। चुप पापी, तूने अभी तक हमारी शक्ति और हमारा चमत्कार नहीं देखा है। हाथ निकालिए हाथ से। हाँ पापी, साधु से डंडा छुपा के बात करता है। धोगी कहीं का, दिखा अपना चमत्कार। मूर्ख तो नहीं मानेगा, तो ले देख। जय कामाक्षी माता। जाओ पर अंच, जाओ पर अंच, ऊपर जा, नीचे जा, ऊपर नीचे। महाराज ऐसे नहीं, साष्टांग प्रणाम करो। महाराज मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे प्रणाम क्यों, हम तो तुझे स्वीकार करते हैं। आजा, ये क्या कर रहे हो? बे चुप, देखता नहीं हम कन्या को आशीर्वाद दे रहे हैं जिससे इसका विवाह शीघ्र। विवाह? हाँ, लेकिन वर? वर मिल गया है, मिल गया है। अरे इसका वर बड़ा होनहार है, पातालपुरी में एक ही अनमोल मोती है। कौन है वो मोती? बताते हैं बताते हैं बताते हैं, तुम्हारा कल्याण करने वाला दानवपति महाराज अहिमही का सेवक। सही सही सही। क्यों, क्या हुआ मोटू? इसका विवाह सही से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चा? वो आदमी नहीं, गधा है। क्या कहा, गधा है? गधा है। जय कामाक्षी माता, गधा कहने वाले को गधा कर दे। गधा, देखो और चमत्कार देखो। जय कामाक्षी माता। कैसी रही तू दुल्हन और मैं दूल्हा, और ले पैन वर्म माला। नहीं, क्या हो गया इसको? इसके साथ तेरी शादी नहीं हो सकती। बापू बापू हट ना करो, सही के पास मायावी शक्ति।
अच्छा बेटी, मुझे स्वीकार है। बापू मान गए, बापू मान गए। देखा, गधा बना तो बुद्धि आई। अब हमारा विवाह, जय कामाक्षा माता। जय कामाक्षा माता। नहीं, कैसी रही? देखा, और मंडप भी सज गया, अतिथि भी आ गए। अरे इतनी अतिथि तो तेरे बाप के शादी में भी नहीं थे। लेकिन समय कम है, चल जल्दी कर। आजा आजा इधर बैठ जा, इधर इधर नहीं, इधर बैठ जा, इधर भी नहीं, इधर नहीं, इधर इधर से नहीं। चल चल चल, पंडित जी कहाँ बैठो? पंडित जी बैठे कहाँ? कन्यादान है तरफ, आप बाएं ने तरफ बैठ, कन्यादान है तरफ, मैं बाएं तरफ बैठ गया। पंडित जी, मोर सूर्य डूबने से पहले का, इसलिए जल्दी शुरू हो जाइए। डूब गया, मैं भी डूब गया, सब शक्ति चली गई, अब क्या होगा? अरे 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 अरे, सूरज डूब गया, हम लोग डूब गए, सारी माया भी शक्ति समा, अब क्या होगा? अब क्या शक्ति लाएगा? अब मेरी शक्ति देख, उधर देख, उधर देख, रोकम देख उधर दादा। तूने मुझे गधा बनाया था, मैं तुझे गधे का बाप बना। मैं आपका जमाई हूँ, आप मुझे बाप क्यों मनाते हैं? जमाई के बच्चे बहुत अच्छे। प्रेम करोगे, बोलो जी प्रेम।
दिन नहीं जन्म भर वो मदिरा छलका दूं। स्वर्ग किसे कहते हैं तुम्हें एक पल में दिखा दूं। प्रेम करोगे बोलो जी प्रेम करोगे ओ ओ मुझ पे मरोगे बोलो जी मुझ पे मरोगे। प्रेम करोगे बोलो जी प्रेम करोगे बोलो ना मुझ पे मरोगे बोलो जी मुझ पे मरोगे। चंद्रसेना तुम्हारे गीत के हर बोल ने हमारे जीवन में रस घोल दिया। आज तुमने पातालपुर में हमें स्वर्ग दिखा दिया। रहने दीजिए मेरी छोटी प्रशंसा न कीजिए। हम सच कह रहे हैं चंद्रसेना, तुम्हारे सामने देवलोक की रंभा और उर्वशी विकर्ष नहीं। नारी के रूप में पागल होकर हर पुरुष यही कहता है। हम उन पुरुषों में नहीं। अगर तुम आज्ञा करो तो हम अपना सर काट कर तुम्हारे चरणों में चढ़ा दें। दानवपति कहना आसान है करना कठिन। प्रेम पर मिटने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं। ये लो तलवार और उड़ा दो हमारी गर्दन। दानवपति सोचती क्या हो, अभी हमारे प्रेम की परीक्षा हो जाएगी। ये लो। ये लो ले लो लो। चलाओ तलवार, आज्ञा का पालन हो। चंद्रसेना चंद्रसेना घबराओ नहीं चंद्रसेना, हम जीवित हैं। दानवपति आश्चर्य न करो चंद्रसेना, हमें कोई नहीं मार सकता, हम अजर और अमर हैं। अमर है इसका मतलब इसके पीछे अवश्य कोई बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा भेद है और इस भेद को हम दोनों भाइयों के सिवा कोई नहीं जानता। क्या मुझे भी आप ये रहस्य नहीं बताएंगे? अवश्य बताएंगे। अपनी प्राणेश्वरी से प्राणों का भेद नहीं छुपाएंगे। एक दिन की बात है, हम दोनों भाई भयानक वन से जा रहे थे। आप लोगों ने हमारी रक्षा की, हम भी आपके संकट में काम आए। हमारे संकट में? कहां हम पातालपति और कहां तुम साधारण भौंरे। पातालपति हमें वरदान है, हम अमृत कुंड से अमृत लाकर मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं। विश्वास रखिए जब भी आप पर मृत्यु संकट आएगा हम अमृत सिंचन करके आपको फिर से जीवित कर देंगे। हम आपको कभी नहीं मरने देंगे। अब हम कभी नहीं मरेंगे, आज से हम अमर हो गए। यही है हमारी मृत्यु का भेद जो हमने तुम्हें बता दिया। पातालपति चंद्रसेना को मृत्यु का भेद बताकर तुमने अपने मृत्यु के द्वार खोल दिए। महादेवी याद रखो
पुरुष भेद छुपाने के लिए प्राण दे देते हैं और स्त्री प्राण लेने के लिए भेद खोल देती है। महादेवी, चंद्रसेना ऐसा कभी नहीं कर सकती। आज चंद्रसेना हमारी हो चुकी है, आज हम बहुत प्रसन्न है। जी भैया, इससे भी बड़ी प्रसन्नता का समाचार लंका से आया है। वो क्या भैया? आज के युद्ध में मेघनाथ के हाथों लक्ष्मण मारा गया। लक्ष्मण मारा गया? हाँ, आज लक्ष्मण मारा गया, कल राम भी मारा जाएगा अवश्य। राम के नैना भर भर आए, भर भर आए, राम के नैना भर भर आए, नैना भर भर आए। मूर्छित पड़ा है प्यारा भाई, बानरों में उदासी छाई, भक्त से भगवान कहे तो पल भर सहा न जाए, राम के नैना भर भर आए, नैना भर भर आए। भार अपार भार अपार, फूलों की तरह से उठा पहुँचे राम के भक्त पवन कुमार, वानर गण हर्षाए नैना भर भर आए। दिन पूछा पूरा पर्वत हनुमान जी लाए क्यों, कप बोले यूं, मुझ बानर में बुद्धि है तुम कैसे पहचाने संजीवनी हम, इसीलिए है वैद्य राज जी पूरा पर्वत लाए, राम के नैना भर भर आए, नैना भर भर आए। संजीवनी तुम्हारी जिस क्षण फिर से जी उठे लक्ष्मण, मगन हुई सारी तपसेना रामचंद्र मुस्काए, जय जय राम जय श्री राम, तो अक्षर का क्या है वो दुष्ट मेघनाथ। जिस हनुमान ने लंका जलाई थी उसी हनुमान ने संजीवनी लाकर लक्ष्मण को जीवित कर दिया। क्या कहा, लक्ष्मण को जीवित कर दिया? चंद्रसेना, लंका से समाचार आया है लक्ष्मण के हाथ मेघनाथ मारा गया। मेघनाथ मारा गया? हाँ, अब राम और कुंभकर्ण में युद्ध हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या समाचार लाए? लंकापति, मेघनाथ और कुंभकर्ण मारे गए। मेघनाथ और कुंभकर्ण मारे गए? क्या सोच रहे हो रावण? राम से समझौता कर लो। तुम कौन? ज्ञान, मैं स्वयं ज्ञानी, मुझे तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं। तुमने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है लंकेश, संसार में तुमसे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं। तू कौन? तुम्हारा साथी अहंकार। अहंकारी का सिर नीचा होता है रावण। चुप रह, तुम कौन हो? तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाला सुबुद्धि। निर्बलों के दास तू क्या किसी को सही रास्ता दिखा सकता है? अरे मैं ना होता तो तू रावण को राम का दास बना देता। तुम लोग एक ना एक दिन लंकेश का सर्वनाश करा दोगे। रावण, इनसे बचो, मैं तुम्हें अभिदान देता हूं। रावण, प्रेम की बातों में ना आओ, राम से युद्ध करो, विजय तुम्हारी होगी,
सीता तुम्हारी होगी, परंतु तू कौन है? तुम्हारा शुभ चिंतक लोग ठीक कह रहा है रावण, तू कौन है? काम जिसने तुम्हें सीता हरण की प्रेरणा दी थी, यदि सीता को लौटाओगे तो संसार तुम्हें कायर कहेगा। लंकेश तू कौन है? क्षमा, काम की बातों में ना आओ रावण। काम, क्रोध, मद, लोग तुम्हारी कीर्ति को नष्ट कर देंगे। मेरी बात मानो, सीता को लौटाकर श्री राम से क्षमा मांग लो। चुप रह कायर, तू कौन? क्रोध, रावण, राम से क्षमा नहीं, उससे युद्ध करो। अभी पाताल पति अही मही जीवित हैं, उन्हें बुलाकर विजय प्राप्त करो। पाताल पति अही? दुल्हन के रूप में तुम कितनी सुंदर लग रही हो चंद्रसेना। ये वस्त्र, ये अलंकार तुम्हारे गोरे शरीर से लिपटकर अपने भाग्य पर मुस्कुरा रहे हैं। दानवपति? दानवपति चंद्रसेना, दानवपति में से दानव शब्द निकालकर केवल पति रहने दो। हम पति, तुम पत्नी। नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़। नहीं, आज हमारा मिलन होकर ही रहेगा। अहिरावन प्रगटो भव, अहिरावन प्रगटो भव, प्रगटो भव, प्रगटो भव, प्रगटो भव, प्रगटो भव, प्रगटो भव। लंकेश्वर की जय हो। आपने मुझे क्यों याद किया? मेघनाथ और कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने के लिए। अहिरावन, किसी भी उपाय से राम और लक्ष्मण को समाप्त कर दो। आप चिंता न करें, आज रात को ही राम और लक्ष्मण लंका से पातालपुरी पहुंच जाएंगे। पातालपुरी? और फिर माता कामाक्षा देवी के चरणों में दोनों की भेंट चढ़ा दी जाएगी। अयोध्या के राजमहल में फूलों की शैया पर सोने वाले मेरे प्रभु धूल और कंकर पर सो रहे हैं। श्री राम, श्री राम, श्री राम। आश्चर्य, कभी न सोने वाले वीर लक्ष्मण जी आज कैसे सो गए? इसमें भी कोई प्रभु की माया होगी। किंतु लंकाधिपति रावण की माया से आज की रात हमें सावधान रहना ही होगा। कुंभकर्ण और मेघनाथ के मरने से वो क्रोध में आकर कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं। हनुमान जी, हमें प्रभु की रक्षा का उपाय करना ही चाहिए। उपाय तो लीजिए।
धन्य हो हनुमान जी, अब मैं निश्चिंत हो गया। जय श्री राम। श्री जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। मधु कैटब दो दैत्यों को मत्स्य रूप से मारा। उद्धार किया मग्न हुआ जग सारा। सागर मन थन में प्रभु ने कच्छप रूप बनाया। अपनी पीठ पर मंदरा चल पर्वत का भार उठाया। पृथ्वी की रक्षा के लिए बारह रूप में आए। हिरण्याक्ष को मार के धरती जल के ऊपर लाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। प्रहलाद की रक्षा को प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया। अभिमानी अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार दिया। भूमि तीन पग मांग के बलि से वामन रूप विराट किया। बलि के सिर पे पग धर के प्रभु ने उसका उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का, परशुराम अवतार प्रभु का जगत प्रसिद्ध कहा। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। त्रेता युग में प्रभु ने ही श्री राम रूप में जन्म लिया। जनक सभा में शिव के धनुष को तोड़ सिया से ब्याह किया। जब द्वापर युग आएगा अवतार कृष्ण का लेंगे प्रभु। संगार कंस का करके तभी जग का संताप हरेंगे प्रभु। जब घर घर हिंसा फैलेगी प्रभु बुद्ध रूप में आएंगे। उत्तम शरणम गच्छामि, मानव को प्रेम अहिंसा का प्रभु पावन पाठ पढ़ाएंगे। कल की अवतार प्रभु का जब घोर कलयुग आए। धरती पे अधर्म की छाया कहीं न रहने पाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही राम
के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। विभीषण जी आप, आपने विश्राम नहीं किया। प्रभु का कार्य पहले विश्राम पीछे। कहना क्या चाहते हैं? हनुमान जी, अभी मेरा गुप्तचर माता जानकी का संदेश देकर गया, वही प्रभु को सुनाना है। किंतु प्रभु तो सो रहे हैं। कुछ भी हो हनुमान जी, वो संदेश प्रभु को देना बहुत आवश्यक है। जैसी आपकी इच्छा, मैं मार्ग किए देता हूँ। विभीषण जी आप भीतर जाइए। चंद्रसेना के राम, अब तुम्हारी नींद पातालपुरी में खुलेगी। विभीषण जी आप पर कोठे के बाहर कैसे आ गए? हनुमान जी मैं तो इसके भीतर गया ही नहीं। नहीं गए? जय श्री राम। क्या भीतर नहीं गए? नहीं हनुमान जी नहीं। नहीं गए? ये गड्ढा कैसा, कहाँ गए प्रभु? समझ गया, मेरा रूप बनाकर अहिरावण ही श्री राम लक्ष्मण को पातालपुरी ले गया। अहिरावण? हाँ, उस मायावी के सिवाय इस संसार में मेरा रूप और कोई नहीं बना सकता। आप सब यहाँ सावधान रहिए, मैं प्रभु का पता लगाने के लिए पातालपुरी जाता हूँ। जय श्री राम। चंद्रसेना, मकरी इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या बात है? चंद्रसेना, पाताल पति श्री राम लक्ष्मण को ले आए। श्री राम लक्ष्मण आ गए, मेरे राम आ गए। मकरी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की नहीं, दुख की बात है चंद्रसेना।
पातालपति ने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया है। बंदी गृह में? नहीं, कभी नहीं। मैं अभी उन्हें छुड़ा कर लाती हूँ। महादेवी, क्यों राम लक्ष्मण को छुड़ाना चाहती हूँ? तू पातालपति को धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। दया करो महादेवी, श्री राम लक्ष्मण जी को मुक्त कर दीजिए। कल दोनों सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। माता कामाक्ष के चरणों में दोनों के सिर काट दिए जाएंगे। क्या हुआ भैया? आपके शरीर पर कैसे चिन्ह हैं? नाग कन्या चंद्रसेना के दुख की महादेवी उस पर अत्याचार कर रही है। भैया, लक्ष्मण, चंद्रसेना को दुख से मुक्त करना होगा। धर्म की रक्षा के लिए लंका के साथ साथ पातालपुरी से भी पाप को मिटाना होगा। अवश्य भैया। कौन है तू? महाराज अहिरावण का सेवक मगधवज। तुम कौन हो? श्री राम का सेवक हनुमान। यहाँ किस लिए आए हो? श्री राम लक्ष्मण को लेने। वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकते। अपना भला चाहते हो तो वापस चले जाओ। मैं प्रभु राम को वापस लेकर ही जाऊंगा। इसका परिणाम जानते हो? तुम्हारे परिणाम का उत्तर देने के लिए गदा है। ये बात है, हो जाए दोनों हाथ। जय हनुमान, जय श्री राम। राम राम राम, तुम्हें धोखा हुआ है देवी। मैं किसी का स्वामी नहीं। मैं सच कहती हूँ, आप ही मेरे स्वामी हैं। ये आप ही का बेटा है। नहीं, कभी नहीं। राम 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 राम, ये कैसी तुम्हारी नारी लीला है? ये नारी लीला नहीं स्वामी, ये भगवान श्री राम की लीला है। ये उस समय की बात है जब आप लंका जलाकर आकाश मार्ग से लौट रहे थे। यह आपका कैसा चमत्कार है स्वामी? चमत्कार को ही नमस्कार है। बेटा मकदवर, अपने पिताजी को प्रणाम करो। करो प्रणाम। प्रणाम बेटा जी। बस बस स्वामी, जो कुछ होना था हो चुका। अब तो आप अपने बेटे को गले से लगा लीजिए। लगा लीजिए ना पिताजी। कहिए पिताजी, संबंध अलग, कर्तव्य अलग। पिताजी, मुझे हराए बिना आप इधर नहीं जा सकते। ठीक है,
तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, मैं अपने कर्तव्य पालन करता हूँ। जय श्री राम। जय राम। ये क्या? आप दोनों से लड़ने लगे? हट जाओ देवी, मैं तुम्हारे बेटे के सिर से अहिरावण का भूत उतार रहा हूँ, हट जाओ। जब तक तुम्हारे मुंह से रावण की जगह प्रभु श्री राम का नाम न निकले, तब तक यहीं बंधे रहो। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? देवी, हठीले बालक के लिए यही सजा है। चलो। चलिए। देवी, दूर से। अच्छा लो, पर ये तो बताइए, कुछ पता चला श्री राम और लक्ष्मण का? नहीं, कहीं पता नहीं चला। कहाँ है मेरे प्रभु? यहाँ भी कोई नहीं दिखाई देता, कहाँ गए सब लोग? देवी कामाक्षा की मंदिर में, श्री राम और लक्ष्मण भी वहीं हैं। मंदिर में? हाँ, अही और मही देवी के सामने श्री राम और लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं। उससे पहले उन दुराचारियों का वध कर दिया जाएगा। ठहरिए स्वामी, आप इतने लंबे चौड़े शरीर को लेकर जाएंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो फिर क्या करूं? कुछ बुद्धि से काम लीजिए। बुद्धि से? जय श्री राम, बुद्धि मिल गई। क्या? ये थाली यहां रख दो। जय श्री राम। इतने बड़े से इतने छोटे, ये चमत्कार? चमत्कार तो देवी मंदिर में होगा, तुम मुझे वहां ले चलो। किंतु कैसे? ऐसे। अरे अरे, इससे तो आस्ते देवी, आस्ते आस्ते। अरे बाप रे, इतनी भारी थाली मुझसे तो नहीं उठाई जाती। ठीक है, अब उठाओ। बोलो कामाक्षा देवी की जय। कामाक्षा देवी की जय। कामाक्षा देवी की जय। राम लक्ष्मण की बलि पाकर देवी हम पर अवश्य प्रसन्न होगी। पुजारी जी, पूजा आरंभ। मकरे, ये फूलों का थाल यहां रख दो। मकरी, इतना घबरा क्यों रही हो? महाराज, मैं तो ये तो बेचारे रात दिन अपने पति की चिंता में खोई रहती है। अच्छा, ये बात है। पता नहीं इसका पति कौन होगा। होगा कोई मूर्ख।
सोच क्या रही हो मकरी? जाओ जाओ। दानवपति, पूजा का शुभ मुहूर्त हो चुका, पधारिए। अपने इष्ट देव और माता पिता का ध्यान कर लो। भारी कैसे हो गया? फूलों का थाल? हाँ। कोई बात नहीं, हम उठाते हैं। ये थाल है या सीता जी के यज्ञ का शिव धनुष्य? महाराज हाथ लगाओ। नहीं भैया, आप एक फूलों का थाल नहीं उठा सकते? कहाँ गया आपका बल? अहिरावन। महादेवी आप चिंता ना करें, हम अभी इस थाल को उठाए देते हैं। भैया, इन फूलों में अवश्य कोई माया में शक्ति छुपी हुई है। माया में शक्ति? हाँ, नहीं तो हम अभी देखते हैं। महाराज, शक्ति इधर नहीं, शक्ति तो उधर है। लीला, चमत्कार। किसका चमत्कार? किसकी लीला? माँ कामाक्षा की लीला। देखिए ना, उधर देखिए। दया करो प्रभु, अब लीला बहुत हो चुकी है। धन्य हो माँ, तुम्हारी लीला अपरंपार है। उठाइए माँ देवी, उठाइए। मकरे, नृत्य और संगीत से प्रसन्न करो। माता कमाक्षा की जय। अंबर के नीचे धरती, धरती के नीचे पाताल, पाताल में जब आए भूजा, धरती के नीचे पाताल, पाताल में जब आए भूजा, जागो धरती, धरती के नीचे पाता। जागो
के नीचे पाता। कितने भाग्यशाली हैं। अहिरावन महिरावन माता, केवल राम लक्ष्मण से मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरी भूख मिटाने के लिए दूध दही मिठाई फल जो मिले ले आओ। दूध मिठाई फल, जल्दी करो। मेरी आज्ञा पालन में देर की तो राम लक्ष्मण से पहले मैं तुम सबका भक्षण कर जाऊंगी। क्षमा कीजिए माता, आपकी आज्ञा शीघ्र पालन की जाएगी। अहिरावन महिरावन, तुम सब राम लक्ष्मण को छोड़कर मंदिर का द्वार बंद कर दो। मुझे खिलाने की सामग्री मंदिर के ऊपरी भाग से डाली जाए। सावधान, जो भी मुझे देखने का प्रयत्न करेगा वो अंधा हो जाएगा। प्रजाजनों, माता को तृप्त करने के लिए दूध दही मिठाई फल जितना भी मिले लेकर आओ। हम कर दो ये द्वार,
सामग्री ले आओ। जाओ जल्दी जाओ। जय श्री राम। पवन कुमार प्रणाम। ये सब क्या हो रहा है पवन कुमार? जीवन में पहली बार शक्ति के बदले बुद्धि से काम ले रहा हूँ प्रभु। अच्छा तो बुद्धि से पेट पूजा का प्रबंध किया है हनुमान जी? पेट पूजा के बिना शक्ति और बुद्धि दोनों से काम नहीं होता। भोजन आ गया है प्रभु। तो फिर देर किस बात की, आनंद पूर्वक भोग लगाइए हनुमान जी। और देवी को भोग लगाओ। मैं देवी को दूध का भोग लेकर अभी आता हूँ। वही ठहरना है, जाना नहीं, समझी मैं, जाना नहीं। चलो जल्दी चलो। मैं कहाँ गया, न नीचे न ऊपर, अधर में। लड्डू पेड़ा दही। बापरे, देवी के जगह देव, और वो भी पर्वत की तरह विशाल। कौन है तू? मैं अही और मही का सेवक सही। हाँ कैसी रही? सही, तू तो भोग लगाने गया था। किसने तुझे फेंका? बोल ना, किसने तुझे फेंका? आप बंद करो, मेरा पेट भर गया। माता कामाक्षा देवी की जय। धन्य हो पवन कुमार, आज तुमने अनोखा चमत्कार दिखाया। ये मेरा नहीं आपका चमत्कार है प्रभु। अब आप अही मही से युद्ध कीजिए। किंतु हमारे धनुष्बाण। चिंता न कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। बंदर महाराज, बंदर, यही बंदर अंदर खाना खा रहा था। देवी नहीं, यही बंदर महाराज, बंदर महाराज, बंदर बंदर बंदर। ये बंदर साधारण नहीं, लंका जलाने वाला हनुमान है। राम लक्ष्मण को बचाने के लिए इसने देवी बनकर हमें धोखा दिया है। किंतु हमारे भय से भाग गया। लक्ष्मण, द्वार को भीतर से बंद कर दो। जो आज्ञा भैया। कहीं वापस आ गया तो? इससे पहले राम लक्ष्मण जीवित न होंगे। दानव, मंदिर का द्वार खोल दो। हनुमान जी आ गए।
हनुमान जी, आप अकेले प्रभु को लेकर नहीं आए? नहीं, मैं प्रभु के धनुष बाण लेने आया हूँ। पातालपुरी में अहिमही के साथ उनका युद्ध होने वाला है। आप लोग चिंता न करें, पापियों का नाश करके प्रभु शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। आप लोग सब यहाँ सावधानी से रहिए। जय श्री राम। तोड़ दो ये द्वार। हनुमान नहीं आए। लीजिए प्रभु लक्ष्मण। धन्य हो हनुमान जी। प्रभु आप अहि मही को संभालिए, मैं यहां संभालता हूं। देखते क्या हो, इस बंदर की पूछ पकड़कर पाताल से बाहर फेंक दो। चलो Oh,
तुम जितनी बार भी हमें मारोगे उतनी ही हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। ये लड़ाई कभी समाप्त नहीं होगी। अरे ये तो मर मर के फिर जीवित हो रहे हैं देवी। इनके मरने का भेद केवल चंद्रसेना ही जानते हैं। आप आइए मेरे साथ। प्रभु मैं अहि मही की मृत्यु का भेद पूछकर अभी आता हूँ। शीघ्र वापस आना। अहिमही की संख्या तो बढ़ती जा रही है। बढ़ने दो, मैं इनके प्रहार को रोकने के लिए अभेद चक्र बनाता हूँ। हनुमान जी, अहिमही की मृत्यु का भेद जानने के लिए आपको वचन देना होगा। वचन तो क्या, प्रभु राम का कार्य पूरा करने के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। चंद्रसेना, मैं वचन देता हूँ, बोलो क्या चाहती हो। मैं श्री राम को पति रूप में पाना चाहती हूँ। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हाँ, श्री राम ही मेरे सर्वस्व है। हनुमान जी, अही मही के मृत्यु के बाद आप उन्हें यहाँ ले आइए। इस मंचक पर बैठा कर मैं उन्हें वरमाला पहनाऊंगी और उनके चरणों में सदा के लिए स्वयं को समर्पित कर दूंगी। देवी, मेरी भी एक शर्त है। प्रभु को वरमाला पहनाने से पहले यदि ये मंचक टूट गया तो तुम्हें अपनी शिक्षा का त्याग करना होगा। बोलो स्वीकार है। तो जल्दी से भेद बता दो। उनकी मृत्यु का भेद है अमृत कुंड से भवरे अमृत ले जाकर अही मही पर सिंचन कर रहे हैं। अमृत कुंड, अपना जीवन चाहते हो तो अमृत सिंचन बंद कर दो, नहीं तो भ्रमर वंश का नाश कर दूंगा। जो आ गया हनुमान जी, जो आ गया। सुनो, ये तुम्हारा अंतिम क्षण है राम, तुम इस बाण से नहीं बच सकते।
तुम कब तक वध करते रहोगे राम? ये फिर जीवित हो जाएंगे। ये क्या भैया, भौरे दिखाई नहीं देते, उनका आना किसने रोका? मैंने रोका, अब भौरे कभी नहीं आएंगे। अही मही, तुम्हारा काल आ पहुंचा। प्रभु चला ये बाण। मरने पर खुश होने वाले चंद्रसेना, आज मैं तेरे प्राण ले लूंगी। ध्वज अही मही का भूत सिर से उतर गया। हाँ पिताजी। भैया हनुमान जी तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, सदा आपकी सेवा में रहते हैं। हनुमान, तुमने अपने पुत्र से तो मिलाया, किंतु तुम्हारी धर्मपत्नी कहाँ है? भगवान, मैं ही इनकी चरणों की दासी हूँ। प्रणाम प्रभु। अखंड सौभाग्यवती भव। प्रभु मुझे तो आशीर्वाद दिया, अब चंद्रसेना की रक्षा कीजिए। मही रावण की पत्नी महादेवी उसे मार डालना चाहती है। हनुमान, चंद्रसेना की रक्षा करो। जो आज्ञा प्रभु, किंतु आप भी शीघ्र आइएगा। मैंने चंद्रसेना को वचन दिया है, श्री राम तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। वचन? हाँ लक्ष्मण, हनुमान का वचन मेरा वचन है। जाओ भक्तराज, मकर ध्वज को तिलक कर मैं भी शीघ्र आता हूँ। जाओ। जय श्री पाप का अंधकार मिट गया। अब
अब श्री राम से तुम्हारा मिलन होगा। श्री राम से मेरा मिलन होगा। मकरी मकरी कहाँ है मेरे राम? बोलो ना श्री राम कहाँ? जाओ तुम श्री जी देखे अब फिर जाओ ना। अब हनुमान जी से कैसे जल्दी ले आए हूँ? तुरंत लाए स्वामी। स्वामी स्वामी आप श्री राम को जल्दी ले आइए। चंद्र सेना उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। कैसे कि मैं आपसे मिलने से देवी मैं भी प्रभु को लेकर आता हूँ। प्रभु कहाँ मैं गदाधारी बाल ब्रह्मचारी, कहाँ ये सुंदर चंचल नारी सुकुमारी। रक्षा करना प्रभु, मैं हूँ शरण तिहारी। चंद्रसेना, चंद्रसेना क्या देख रही हो? बैठिए प्रभु। माला नहीं, मेरे मन की माला है। इसे स्वीकार कर अपने चरणों की दासी को धन्य कीजिए। अपने असली रूप में आ। मेरी आशा को निराशा में बदलने वाली कपटी, मैं अभी अपने शाप से तुझे भस्म कर दूंगी। क्षमा करो देवी, क्षमा करो। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने जो भी कुछ किया हनुमान जी की आज्ञा से किया। हनुमान तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, आज मेरे शाप से तुम भी नहीं बच सकते। अरे चंद्रसेना ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? हनुमान निर्दोष है, इन्होंने विश्वासघात नहीं किया, मुझे धर्म संकट से बचा लिया। प्रभु। हाँ चंद्रसेना, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। पिता के होते हुए दूसरी नारी को पत्नी रूप में पाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम चाहती हो मैं अपने कर्तव्य से गिर जाऊं, मेरी मर्यादा समाप्त हो जाए? नहीं नहीं प्रभु, आपकी मर्यादा सदा बनी रहे। किंतु क्या मेरी इच्छा कभी पूरी न होगी? निराश ना हो चंद्रसेना, द्वापर युग में तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। उस समय तुम सत्यभामा बनोगी और मैं कृष्ण। देखो माँ दया करो, मेरे कृष्ण शीघ्र ही चमन तक मणि लेकर वापस आ जाए। सत्य भामा, चमन तक मणि मिल गई। मणि मिल गई? हाँ। भगवान मैंने आप पर
मणि चुराने का झूठा कलंक लगाया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो सत्या जी। प्रभु, मेरी बहन सत्यभामा को पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। चंद्रसेना, मैं सदा तुम्हारे पास हूँ। संसार के कण कण में जहां भी तुम देखोगे मैं वहीं मिलूंगा। Sita Ram, 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 Sita Ram,